दोस्तों, अगर आपका बजट भी 1 लाख रुपए है और आप एक मस्त सी बाइक लेना चाह रहे हो और आप रिवोल्ट और ओला में कंफ्यूज हो कि इनमें से कौन सी लें, तो आइए कंपैरिजन करते हैं रिवोल्ट की तरफ से आने वाली 1 लाख रुपए वाली गाड़ी और ओला की तरफ से आने वाली 1 लाख रुपए वाली गाड़ी के बारे में। रिवोल्ट की तरफ से हमें रिवोल्ट RB1+ देखने को मिलता है, जिसकी एक शोरूम प्राइसिंग है 1 लाख रुपए। वहीं ओला की तरफ से हमें रोडस्टर X4.5 kWh बैटरी पैक देखने को मिलता है, जिसकी एक शोरूम प्राइसिंग है 1 लाख रुपए। दोस्तों, अगर बात करें सबसे पहले बैटरी की दोस्तों, तो RV1+ में आपको 3.24 kWh की बैटरी देखने को मिलेगी। वहीं रोडस्टर के अंदर आपको 4.5 kWh की बैटरी देखने को मिलेगी। बात करें टॉप स्पीड की, RV1+ में आपको 75 km/h की टॉप स्पीड मिलेगी। वहीं रोडस्टर के अंदर दोस्तों आपको 124 km/h की टॉप स्पीड देखने को मिलती है। अगर बात करें रेंज की दोस्तों, RV1+ में 160 km की IDC रेंज देखने को मिलती है। वहीं ओला के अंदर आपको 200 km की IDC रेंज देखने को मिलती है। बात करें इनके डिस्प्ले की, रिवोल्ट के अंदर आपको 6 इंच का डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिलता है। वहीं ओला के अंदर आपको 4.3 इंच का LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है, यानी दोनों ही गाड़ी के अंदर आपको कोई भी टच स्क्रीन वगैरह देखने को नहीं मिलता है। बात करें मोटर की दोस्तों, RV1+ में आपको 2.8 kW का चैन ड्राइव वाला मोटर देखने को मिलता है, यानी यहाँ बेल्ट नहीं चैन देखने को मिलेगी। वहीं ओला के अंदर आपको 11 kW का पीक पावर वाला मोटर देखने को मिलता है, यानी परफॉर्मेंस 22 लाख गुना अच्छी है भैया ओला। रिवोल्ट के अंदर फ्रंट एंड रियर में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, ओला के अंदर सिर्फ फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है। बात करें इनके प्राइसिंग की, तो रिवोल्ट आपको पड़ेगी लगभग 1 लाख रुपए की और ओला भी आपको पड़ने वाली है 1 लाख रुपए की। तो अब इन दोनों के बीच बेस्ट कौन सा भैया? आप परफॉर्मेंस देख लो, रेंज देख लो, टॉप स्पीड देख लो, हर एक मामले में ओला इनसे बहुत ज़्यादा आगे है भैया। यानी जितना आप पे कर रहे हो 1 लाख रुपए ना, उसी 1 लाख रुपए में बहुत सारा फीचर, बहुत सारी पावर, बहुत सारा रेंज एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा ओला के अंदर, अगर आप ओला की बाइक लेना चाह रहे हो। बाकी बात करें इनके डिलीवरी टाइम की दोस्तों, तो अगर आप रिवोल्ट की गाड़ी आज बुक करोगे तो 15-20 दिन में आपको डिलीवरी मिल जाएगी, यानी 10-15 दिन बाद लोग डिलीवरी स्टार्ट करने वाले हैं। वहीं ओला की डिलीवरी आपको जनवरी 2025 में देखने को मिलने वाली है। तो अगर आप वेट कर सकते हो तो वेट कर लो, बाकी जल्दी हो तो आप रिवोल्ट भी ले सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से अगर बेस्ट ऑप्शन देखोगे, वैल्यू फॉर मनी देखोगे, ओला फार फार बेटर है भैया। बाकी इसमें आपको जानते तो फीचर्स वगैरह ओला के अंदर देखने को मिलते हैं, राइड मोड मिलेगा, 4-5 कलर के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। बस रिवोल्ट में एक अच्छी चीज़ देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको रिमूवेबल बैटरी देखने को मिलती है, बट ओला के अंदर आपको दोस्तों फिक्स्ड बैटरी देखने को मिलती है। यही था इन दोनों के बीच डिफरेंस दोस्तों। आप बताना आपको कौन सी अच्छी लगी, कौन सी मस्त लगी, कौन सी सस्ती लगी, क्या कैसा लगा, जैसा भी लगा हो बस लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। बाकी जाओ यार, जय हिंद, बाय बाय।